यहाँ आपको अपडेट करेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अली मोहम्मद खान को नजरबंदी की मुद्दत पूरी होने पर रिहा किया गया। उस्मान मुजफ्फर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे लेंगे। जी उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को जो है अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है और अडियाला जेल से जेल हुकाम की जानिब से कंफर्म किया गया है कि अली मोहम्मद खान को जो है अडियाला जेल से रिहा किया गया है। और इस हवाले से अगर उनको दोबारा गिरफ्तारी के हवाले से तहाल अभी तक जो है वो मौसूल नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जेल हुकाम की जानिब से कि उनको अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। उस्मान ये बताइएगा किस बुनियाद पर रिहा किया गया है, उन्हें क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जेल हुकाम की जानिब से कि उनको रिहा कर दिया गया है। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की जो है हुक्म के बाद उनकी रिहाई जो है मुमकिन हुई है। जी ठीक है, तमाम तरह ऐसे जो केसेस आए हैं उसमें एक गारंटीड लेटर पे साइन करके ज़रूर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि आइंदा किसी भी किस्म की इस तरह की किसी कार्रवाई में मुलविस ना होने के लिए गारंटी दी जाती है, तो क्या इनकी जानिब से भी लिख कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जो है कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की जानिब से ये कहा गया था अली मोहम्मद खान को भी कि वो जो है दोबारा इस तरह की जो कि दफा 144 के खिलाफ वर्जी और इस हवाले से जो लिख के दिया जाता है वो शाम तो वो दिया जाए, तो उस हवाले से भी अदालत में जो है ये यकीन दहानी के बाद ही अली मोहम्मद खान की रिहाई के अहकाम जारी हुए थे और आज अली मोहम्मद खान को जो है अडियाला जेल से रिहा किया गया। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया।